या रक्तांबुजवासिनी विला विलसनी चंडास तेजसनी या रक्ता रुधिरांब्रा हरिराखी या श्री मनो मनोहादिनी या रत्नाकर नंद नाथ प्रगंडिता विष्णुशया कृष्णुशया गृहिणी या, सा, या सामा पाथ मनोर मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती शहर था इस शहर में लाखों लोग रहते थे पहले के लोग पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है सब अपने अपने काम में रत रहते हैं किसी को किसी की परवाह नहीं घर में घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती भजन कीर्तन भक्ति दया माया दया माया परोपकार परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं शहर में बुराइयां बढ़ गई थी शराब जुआ रेस व्यवचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में में होते थे कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी रह छुपी हुई है इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति भी पति की गृहस्थी मानी जाती थी शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी उनका पति भी विवेकी और सुशील था शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया यानी रास्ते पर डकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई शहर से शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बंदियाँ फैली हुई थी उसमें शीला का पति भी फंस गया दोस्तों के साथ उसने उसे भी शराब की आदत हो गई जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के कि लालच में दोस्तों के साथ ऐसे जुआ भी खेलने लगा रेस जुआ भी खेलने लगा इस तरह बचाई हुई धन संपत्ति पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया था इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई सुख से खाने के बजाय दो वक्त भोजन के के लाले पड़ गए और वो शीला को पति की गलतियाँ पति की गालियाँ खाने का वक्त आया था शिला सु, सु, सुशील और संस्कारी स्त्री थी उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी इस तरह शिला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त व्यतीत कर बिताने लगी अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी शिला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस तर इस वक्त कौन आया होगा फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए ऐसे आर धर्म के संस्कार वाली शिला ने खड़े होकर द्वार खोला देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी वे बड़ी उम्र की लगती थी किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था उनकी और आँखों में से मानो अमृत बह रहा हो बह रहा था उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया शास्त्र सीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई घर में बिताने बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था अतः सीला ने ने, ने कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया माँ जी ने कहा माँ जी ने कहा सीला मुझे पहचाना नहीं सीला ने सखचा कर कहा माँ आपने देखते ही आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है बहुत शक्ति शांति मिल रही है ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं पर मैं आपको पहचान नहीं सकती माँ जी ने हंस कर कहा क्यों भूल गई हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं तब मैं भी वहीं आती हूँ वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं पति गलत रास्ते पर चढ़ गया तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी उसने याददाश्त पर जोर दिया पर वह यह माँ जी याद नहीं आ रहे थे सभी तभी माँ जी ने कहा तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन भजन गाती थी अभी अभी तो दिखाई नहीं देती थी इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं दिख क्यों नहीं आती है कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना ऐसा सोच कर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया उसने आंख उसके उसके आँखों से आँसू गए उसकी आँखों में आँसू आ गए माँ जी के सामने वह बिलख बिलक कर रोने लगी ये देखकर कर माँ जी शीला के नज़दीक सरके और उसकी सिसक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सातवना देने लगी माँ जी ने कहा बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है धैर्य रखो बेटी और तुझे क्या परेशानी है अपने दुख दुख की बात मुझे सुना तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली उसने माँ जी से कहा माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और, और खुशियाँ थी मेरे प्रति भी सुशील थे भगवान की कृपा से ऐसे पैसे की बात में भी कोई हमें कोई कोई पैसे की बात में भी हमें संतोष था इन हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्त में अपना वक्त व्यतीत करते थे यकायाक हमारा भाग हमसे रूट गया मेरे पति को बुरे बुरे लोगों से दोस्ती हो गई बुरी दोस्ती की वजह से शराब जुआ रेस सरस गांजा वगैरह खरा खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया है और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए यह सुनकर माँ जी ने कहा सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है ऐसी भी ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है अब हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं इसलिए तू चिंता मत कर अब तू कर्म के कर्म भुगत चुकी है और तुम्हारे अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे तू तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई उसने कहा माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है वह मुझसे मुझे, मुझे समझाइए मैं ये व्रत अवश्य करूँगी माँ जी ने कहा बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है वह सुख शांति और यश प्राप्त करता है ऐसा, ऐसा कर ऐसा कहकर माँ जी लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं अतए उसका फल नहीं मिलता कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया पर ऐसा नहीं है कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करनी चाहिए तभी उसका फल मिलता है सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो सभी आज लखपति बन गए हो होते सच्ची बात तो यह है कि सोने के पहने का विध से पूजन करना चाहिए व्रत की का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए करना चाहिए तभी यह लक्ष्मी व्रत फल फल देता है यह व्रत शुक्रवार को करना करना चाहिए सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो किसी की चुगली और आ, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए शाम को पूर्व दिशा में मुँह करके इस तरह आसन पर बैठ जाओ सामने पाटा रखकर उसमें उसके ऊपर रुमाल रखो रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो कलश पर एक कटोरी रखो उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा बाद में घी का दीपक जलाकर धूपसली जली धूपजली धूपसली सुलगा कर रखो माँ लक्ष्मी जी बहुत लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र और अति प्रिय है अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते समय प्रथम श्रीयंत्र को श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप के स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो इस पुस्तक में के अगले प्रश्नों पर श्रीयंत्र और माँ लक्ष्मी सतन का पाठ सतन का पाठ करो बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ शाम को, को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी गुड़ भी चल सकता है फिर आरती करके ग्यारह बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी बोलो बाद में ग्यारह या इक्कीस शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ संकल्प शंकर माँ के सामने करो और अपनी और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ माँ लक्ष्मी जी की विनती करो फिर फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो अ, अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खा खा लो खाना खा लो अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो दो बार भोजन कर सकते हो बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पंछियों को डाल दो इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है संतान और उसे संतान प्राप्त होती है सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रहता है कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है शीला ये सुनकर आनंदित हो गई फिर पूछा माँ आपने वैभव व्रत की शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी किंतु इसका उद्यापन विधि किस तरह कर, करना चाहिए यह भी कृपा करके मुझे सुनाइए माँ जी ने कहा ग्यारह या इक्कीस जो मन्नत मानी हो उस उतने कर शुक्रवार यह ये, ये लक्ष्मी व्रत पूरा करो पूरा व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो पूजन विधि हर शुक्रवार की कर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करनी चाहिए पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो श्रीफल फोड़ो और कम से कम सात कुआवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित संगम की लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए फिर वैभव लक्ष्मी फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो मां लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से भी भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ वैभव लक्ष्मी हे धन वैभ लक्ष्मी मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो हे माँ हमारी जो मनोकामना हो वह बोलो वो उनकी मनोकामना पूर्ण करो हमारा सबका कल्याण करो जिसे जिसे संतान न हो उसे संतान देना व स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना आपका यह चमत्कारी वो लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब प्रकार से सब विपत्ति दूर करना सबको सुखी करना हे माँ आपकी महिमा परम्पार है इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो माँ जी के पास से वैभवलक्ष्मी व्रत की शास्त्री विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी समय संकल्प लिया कि हे वैभलक्ष्मी माँ मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा के शास्त्री विधि अनुसार वैभवलक्ष्मी का व्रत इक्कीस शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी शास्त्री शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था वह वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई यह माँ जी कोई और नहीं था साक्षात लक्ष्मी जी ही थी शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए रास्ता दिखाने के लिए लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी दूसरे दिन शुक्रवार था सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मनीमन मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी सारा दिन किसी की चुगली की नहीं शाम हुई तब हाथ मु धोकर शीला पूर्व दिशा में मुँह धो मुँह करके बैठी घर में पहले से सोने के बहुत से गहने थे पर पतिदेव ने आ, सारे पतिदेव ने गलत रा, गलत रास्ते पर चढ़कर सब सब गहने गिरवी रख दिए थे पर नाक की चुन्नी बांक, बच गई थी नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख रख दी सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा उसमें उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्री विधि अनुसार चंदन स, चंदन सतन पूजन की पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वह लक्ष्मी का व्रत किया अब प्रसाद प्रसाद अपने पति को प्रणाम करके प्रसाद पति को खिलाया प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया उस दिन उसने शीला को मारा नहीं सताया भी नहीं शीला को बहुत आनंद हुआ उनके मन में वैवलक्ष्मी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से इक्कीस शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया इक्कीसवें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके सात स्त्री सात स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की सात पुस्तकें उपहार में दी फिर माँ माता जी के धन चमत्कार धनलक्ष्मी स्वरूप के की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी हे माँ धनलक्ष्मी मैंने आपकी वै, आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करें हमारा सबका कल्याण करें जिसे संतान न हो उसे संतान देना सौभाग्यशाली स्त्री को का सौभाग्य अखंड रखना कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना आपका यह चमत्कारी लक्ष्मी व्रत करे जो करे उनकी सब प्रकार से विपत्ति दूर करना सबको सुखी करना हे माँ आपकी महिमा अपार है ऐसा बोल कर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया इस तरह शास्त्री विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा माँ लक्ष्मी जी ने माँ लक्ष्मी जी के प्रभाव जी, जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको मुनाफा ज़्यादा होने लगा उसने तुरंत शिला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए घर में धन की बाढ़ सी आ गई घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी हे माँ धनलक्ष्मी आप जैसे शिला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका यह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना सब सबकी मनोकाम सबकी सबको सुख शांति देना जय मह लक्ष्मी जय लक्ष्मी